हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम चार टाइप के सिग्नल पढ़ चुके थे। ये नेक्स्ट है, पांचवा इवन और ओड सिग्नल। देखिए, पहले इवन पढ़ाते हैं। इवन को हम सिमेट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। क्या इसका डेफिनेशन होगा देखिए, कहते ए सिग्नल इज सेड टू बी इवन और सिमेट्रिकल if it satisfied following condition। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है जो अब मैं लिखने वाला हूं, तो सिग्नल को क्या कहेंगे हम? इवन सिग्नल। अगर एक्स टी कोई सिग्नल है, उसमें टी को मैं माइनस टी से रिप्लेस कर दूं, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो उस ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं हम? इवन सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, कोसाइन सिग्नल। देखिए, जो कोसाइन सिग्नल होता है जो इस साइड है, कह सकते हैं ये क्या होता है, एक तरह का मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट जो होगा मिरर इमेज होगा। तो ये हो गया ए कोस ओमेगा नोट टी, ये हो गया टी। तो ये सिग्नल क्या हो गया? देखिए, जैसा इधर है, इधर देखिए, इसको मैं इतना छिपा लेता हूं, इस टाइप का। अगर इस वाले छिपा लो, ये भी इसी टाइप का। तो कहने का मतलब है, जैसा इस साइड है, देखिए यहां पे, यहां तक ये पीरियड टी बाई फोर हो गया, ये भी माइनस टी बाई फोर। तो जैसा है यहां से जीरो से टी बाई फोर तक, यहां पर भी कैसा है वैसा ही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा। तो कहने का मतलब है, ये जो मिरर, ये जो लाइन है वाई एक्सिस वाली, इसके अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या याद रखना, एक्स टी जो हमारा रियल सिग्नल है, रियल वैल्यूड सिग्नल है। जो कंजुगेट सिमेट्रिक होता है, वो इमेजिनरी वाला होगा, उसके लिए भी हम कंडीशन बताएंगे क्या होती है, इमेजिनरी वाले के लिए कैसे करते हैं। तो इवन का पता चल गया। नेक्स्ट होता है हमारा ओड। ये हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? फॉर कंटिन्यूअस टाइम। अभी हम कंटिन्यूअस टाइम के लिए देख रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए भी देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है ओड और एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक सिग्नल। इसके किसके लिए देख रहे हैं? फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? ए सिग्नल इज सेड टू बी ओड इफ इट फॉलोज फॉलोइंग कंडीशन, इट फॉलोज फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन होगी? इसमें थोड़ा होगा, इसमें एम्पलीट्यूड भी रिवर्स करते हैं। तो एक्स टी इक्वल्स टू, ये पहले टाइम का रिवर्सल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको का भी रिवर्स कर देंगे। तो इसके लिए एग्जांपल क्या हो गया? साइन वेव। देखिए इधर, इसका एग्जांपल होता है साइन वेव। इसमें क्या होगा? देखिए, एक्स पहले एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टी किया, जैसा ये इधर है ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी अपर वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना, इसका देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टी करूंगा, उसके बाद क्या करना, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो ये वाला यहाँ पे, तो इसके बाद करने के बाद कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक्स जैसा देखेंगे फिर उसके बाद भी, तो ये क्या हो गया? साइन का। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। इस ऐसे सिग्नल कहते हैं ओड सिग्नल। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या, एक्स टी जो हमारा क्या है, रियल सिग्नल। ठीक है, रियल वैल्यूड सिग्नल। और हमसे क्या क्या पूछा जाता है इसमें? हमसे पूछा जाता है किसी सिग्नल का ओड पार्ट बताइए और इवन पार्ट क्या होगा इसमें। तो हम किसी सिग्नल, कोई सिग्नल हमारे पास यहाँ पे देखिए, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एक्स टी या पार्ट्स ऑफ एक्स टी क्या होंगे? इवन पार्ट जो होगा, इवन पार्ट, इवन पार्ट। अगर एक्स टी, एक्स टी जो एक्स टी क्या हमारा, हम मान के चल रहे हैं ये इट इज ए सम ऑफ इवन पार्ट एंड ओड पार्ट। ठीक है,
एक सिग्नल जो होता है उसमें वो इवन पार्ट प्लस रियल पार्ट से, वो इवन पार्ट और ओड पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इवन पार्ट की जो वैल्यू होती है, इवन पार्ट जो होता है एक्स ई ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओड के लिए ओ से करता हूँ मैं, ठीक है। मैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 xt प्लस एक्स माइनस टी, ठीक है। और ओड पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, वह माइनस आ जाएगा। अगर मुझसे किसी सिग्नल का ओड पार्ट पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, 1/2 xt माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ओड और इवन पार्ट फाइंड कर सकते हैं एक्स टी के, जिस जो एक्स टी क्या होता है, इवन पार्ट और ओड पार्ट का सम। नेक्स्ट देखिए, अगर डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट के लिए वह टी को एन से रिप्लेस कर देना, हर जगह पूरे जो भी हमने पढ़ा, टी को किससे रिप्लेस कर देना, एन से। मैं बता देता हूं फिर भी, देखिए इवन और सिमेट्रिकल सिग्नल किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम के लिए। तो इसमें इवन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एक्स एन, इसमें क्या कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी इसमें, इसकी जो कंडीशन होगी क्या कंडीशन होगी, एक्स एन इजिकल्स टू एक्स ऑफ माइनस एन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी ग्राफ बना देंगे इसका, इसके लिए ग्राफ क्या होगा, बनाओ इसके लिए ग्राफ, अगर ऐसा जैसा इधर एक साइड है दूसरी साइड भी ऐसे होना चाहिए। देखिए मैंने ये कोई सिग्नल लिया, ठीक है, ये कोई मैंने सिग्नल लिया, तो यहाँ पे देखिए जैसा इस साइड है ऐसा इस साइड दिख रहा है, इधर भी तीन है इधर भी तीन है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवन सिग्नल। अगर हमसे ओड के लिए पूछा जाए, ओड और एसिमेट्रिकल, वो केवल वो जैसा कंटिन्यूस में पढ़ा था वही है, बट टी को एन से रिप्लेस कर देना डिस्क्रीट टाइम के लिए। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होगी, एक्स एन जो होगा क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस माइनस एन, तो ये हो जाएगा आउट के लिए कंडीशन, ठीक है। इसमें भी इसमें इसके लिए भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एक सिग्नल ले लो ऐसा, ये क्या हो जाएगा हमारा जो एम्पलीट्यूड ये वो भी एम्पलीट्यूड यहीं पे, ये क्या हो जाएगा इसी टाइप से। जब और क्वेश्चन मैं एग्जांपल में कराऊंगा वहां पे ज्यादा समझ आएगा, ये एग्जांपल बस याद रख लेना, ठीक है। इसके भी पार्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, कंपोनेंट्स ऑफ एक्स एन, वेयर एक्स एन इज इक्वल्स टू क्या, इवन पार्ट प्लस ओड पार्ट प्लस इवन पार्ट, ठीक है। तो इवन पार्ट की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/2 xn प्लस एक्स ऑफ माइनस एन, और ओड पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 xn माइनस एक्स माइनस एन। बस इतना कुछ करना और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अभी चलो कुछ और कवर कर लेते हैं, एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला, नहीं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो उसके मैं एग्जांपल लूँगा तो उसी के साथ ही कवर करूँगा, पहले अभी रियल वाला कवर करते हैं, उसके बाद हम इमेजिनरी वाला करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।